दोस्तों, क्या हो यदि हिरन और हाइना का आमना सामना हो जाए? आपको पता है हाइना हिरन के कंपेयर काफी छोटे होते हैं। जहाँ हिरन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, वही हाइना मात्र 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हिरन के पास मजबूत और शक्तिशाली सींग होते हैं। हिरन की एक टक्कर हाइना का काम भी तमाम कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हाइना हमेशा जीत जाते हैं हिरन से। आपको बता दें, हाइना की दुनिया में 4 प्रजातियां होती है, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रजाति है उसका नाम है स्पॉटेड हाइना। उसके बाद आते हैं ब्राउन हाइना। ये अफ्रीका के सवाना के जंगलों में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। अधिकांश ये दूसरों का शिकार चुरा के ही खाते हैं, लेकिन शिकार की कमी होने पर ये शिकार करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हिरन और हाइना दोनों ही झुंड में रहते हैं। लेकिन हाइना की अटैक टेक्निक काफी ज्यादा निराली होती है। वो हिरन के झुंड में घुसकर सेल लगाकर एक हिरन को अलग कर देते हैं। उसके पश्चात सारे के सारे हाइना उस पर टूट जाते हैं। लेकिन यदि एक सिंगल हाइना भी हिरन के ऊपर टूटेगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि हाइना की बाइट फोर्स 1100 PSI होती है। ये बाइट फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हिरन की चमड़ी तो चमड़ी उसकी हड्डी के भी टुकड़े कर सकती है। आपको बता दें, हाइना को पर्यावरण का सफाई कर्मी ही बोलते हैं, क्योंकि ये पुराने से पुराने गले पड़े मांस को भी खाने में सक्षम है। इसका पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा तेज होता है, इसीलिए इसे पर्यावरण का सफाई कर्मी का दर्जा भी दिया गया है।